एवरीवन, मायसेल्फ दीपिका अरोड़ा फ्रॉम हैशटैग bcpskv क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5, वेयर q इज सम इंटीजर। हमें ऐसा शो करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होते हैं और q यहां पर कोई इंटीजर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट ए वी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक है एंड बी इक्वल टू 6। अब बी इक्वल टू 6 क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये वाली फॉर्म बन रही है। अगर हमारे पास 5q+1 होता तो हम यहाँ पे 5 लेते, 4q+1 होता तो यहाँ पे 4 लेते। ये सारी 6 की सीरीज हैं, इसीलिए हमने बी को लेट कर लिया है 6। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम से। बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम डिवीजन से हमें ये पता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है हमारे पास वेयर 0 यहाँ पे हमारे पास या तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और बी ऑलवेज क्या होगा? रिमाइंडर से बड़ा होगा। बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम हमें ऐसा पता है, तो ए की जगह पे लिख लेंगे क्योंकि ए हमें नहीं पता, हमने डायरेक्ट करा है। और बी की जगह पे हम क्या 6 रख सकते हैं 6q+, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? आर। तो हमारे पास अब सिचुएशन ये आ गई है, केस ये बन गया। अब हमारे पास हमें ये पता है वेयर 6q यहाँ पे क्या हो जाएगी? इवन डिजिट। 6q इवन डिजिट क्यों होगी हमारे पास? क्योंकि अगर मैं 6 का 1, 2, 3, 4 अगर मैं किसी भी नंबर से 6 की मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो वो 6 के क्या बन जाएगा? 6 के टेबल में आता होगा और वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। तो हमारे पास सबसे पहले केस फर्स्ट आता है, तो हम लिखते हैं ए इक्वल टू 6q+r। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पहले ये देखते हैं वेयर। अब हमारे पास क्या था? आर। आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। क्यों लिखा? क्योंकि बी हमारे पास क्या है? 6। 6 से ऑलवेज क्या होगा? छोटा। अगर यहाँ पे 7 होता तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 7 से छोटी होती। अब हमारे पास 6 है तो यहाँ पे 5 तक हमने 0 से लेके पुट करेंगे 5 तक, क्योंकि 6 से छोटा होता है 5। ए इक्वल टू में 6q है हमारे पास, 6q का 6q फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करेंगे 0, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। और वैल्यू पुट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आर इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6q। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ए इक्वल टू में 6q+r। नाउ इस वैल्यू में हम क्या पुट करेंगे? 0 तो हमने रख लिया, 1 तो हम पुट करेंगे, पुट आर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल टू 6q+1। अब इवन डिजिट में अगर हम कोई भी ऑड डिजिट प्लस करते हैं तो वो क्या बन जाती है? ऑड डिजिट। देखिए ये वाली हमारे पास क्या आ गया था? ये आ गई थी हमारे पास इवन, और ये हमारे पास क्या आ गया? ऑड। क्योंकि हम कोई भी डिजिट होगी इवन उसमें प्लस करेंगे, 1 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ये हो गया हमारा केस 1, ये केस 2 हो गया। नाउ बात करते हैं केस 3, केस 3। केस 3 में हमारे पास फिर से वैल्यू पुट करेंगे 6q+r। 1 हमने पुट कर लिया था, पुट 1 के बाद आएगी 2 की बारी,
तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 6q प्लस में 2। अब ये वाली डिजिट आई है हमारे पास, अब ये तो इवन नंबर है और ये हमारे पास पहले से इवन था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन। नाउ केस फोर्थ, a इक्वल टू 6q प्लस में r, पुट r इक्वल टू 3। a इक्वल टू में 6q प्लस r की जगह पे 3 पुट कर देते हैं। 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर, तो ये हमारा इवन, इवन में कोई भी मैंने बताया था ऑड नंबर प्लस करेंगे तो ऑलवेज क्या बनाएगा, ऑड नंबर। नेक्स्ट आता है हमारा केस फिफ्थ, केस फिफ्थ में हमारे पास है a इक्वल टू में 6q प्लस r, पुट करेंगे 4, तो हमारे पास आएगा 6q प्लस 4। अब ये भी हमारे पास क्या है, इवन है, इवन में कोई भी इवन डिजिट प्लस करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम लिखेंगे केस सिक्स्थ, और ये है लास्ट केस, a इक्वल टू में 6q प्लस में r, पुट r इक्वल टू में 5, a इक्वल टू 6q, r की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 5। इवन में ऑड नंबर प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड डिजिट, यही हो जाएगा हमारा, विच इज एन ऑड नंबर, तो हम लिखेंगे, हम लिख लेंगे देयर फोर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, फोर सम इंटीजर q, और ऐसा ही को हमें क्वेश्चन में गिवन था।